हाय स्टूडेंट, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डबली लिंक लिस्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन डबली लिंक लिस्ट वी हैव टू लिंक्स, वन लिंक रिफरिंग टू द नेक्स्ट नोड एंड वन लिंक रिफरिंग टू द प्रीवियस नोड। डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास दो लिंक रहेगी, उसमें से पहली जो लिंक है प्रीवियस वाली, वो प्रीवियस नोड को रिफ़र करेगी और नेक्स्ट वाली नेक्स्ट वाले नोड को रिफ़र करेगी। डबली लिंक लिस्ट कंप्राइज ऑफ थ्री पार्ट। एक नोड तीन भाग में डिवाइडेड है, पहला है प्रीवियस, फिर है डेटा, फिर है नेक्स्ट। ओके, तो मेरे पास एग्जांपल के तौर पर एक लिंक लिस्ट है, देखिए डबली लिंक लिस्ट है सॉरी। तो स्टार्ट एक नोड है, दूसरा नोड है, तीसरा नोड है। पहला जो नोड है उसका जो प्रीवियस सेक्शन है वो नल क्यों है, क्योंकि इसके आगे कोई भी नोड नहीं है रिफ़र करने को, इसके लिए इसका जो प्रीवियस का जो है डेटा वो नल है। फिर एलिमेंट मेरे पास डेटा जो है वो 10 हो गया। यहाँ पर 10 का जो पहला नोड का जो नेक्स्ट है वो रिफ़र करेगा 20 के प्रीवियस को, ठीक है। 20 का प्रीवियस रिफ़र करेगा 10 के नेक्स्ट को, और 20 का नेक्स्ट रिफ़र करेगा 30 के प्रीवियस को, और 30 का प्रीवियस रिफ़र करेगा 20 के नेक्स्ट को। अभी बात आती है 30 के नेक्स्ट के, 30 का जो नेक्स्ट है वो नल है, क्योंकि 30 के बाद कोई भी नोड नहीं है रिफ़र करने को, इसके लिए जो 30 का नेक्स्ट है वो क्या है, नल है। यह है डबली लिंक लिस्ट। अभी इसका स्ट्रक्चर मतलब कोडिंग पार्ट देख लीजिए। स्ट्रक्ट नोड ब्रैकेट ओपन, स्ट्रक्ट नोड मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट कोमा मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस सेमीकोलन, फिर इंट डेटा सेमीकोलन ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। तो ये था डबली लिंक लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।